अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन न्यूज़ में। अच्छा, बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आप लोगों को ये इनिशिएटिव इतना अच्छा लगा। ठीक है, जो कि मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है ऑनलाइन लर्निंग फोरम 1.0 से। अच्छा, सारी बात एक जगह पर, जो ये सारी वीडियोज़ हैं वो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन पर मिल जाएंगी, मगर आप लोगों को इसके लिए काम करना पड़ेगा। काम क्या है कि भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में ये पूछने की, सर आपने तो कोई वीडियो डाली ही नहीं थी। तो ये आपके लिए एक रिमाइंडर के तौर पर होगा, तो इसको कर लो। सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है कि ये जो मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है ऑनलाइन लर्निंग फोरम 1.0, इसको अपने सारे फ्रेंड्स के इसमें सर्कल्स में शेयर कर दो। क्योंकि देखो, आप तो ऑलरेडी सीख रहे हो, सही है, तो क्यों ना ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि वो स्टूडेंट्स जो अभी तक किसी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या पाकिस्तान के जिस सिचुएशन के साथ जो चल रही है पाकिस्तान में सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप जिनको भी जानते हो उन तक मेरे ये यूट्यूब चैनल के लिंक या यूट्यूब चैनल का नेम उनको प्रोवाइड कर दो कि वो भी इससे जो है फायदा उठा सकें, क्योंकि ये ज्यादातर उनके लिए इफेक्टिव होगा। ये 30 डेज, तो तकरीबन 30 डेज से ज्यादा ही चलेगा ये कोर्स। और ये आपको इतना है कि अगर आप मेरे साथ साथ डे टू डे चलेंगे, इतना जरूर कहता हूँ कि पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आने से कहीं नहीं गए। सही है, फर्स्ट डे जो हमने मैंने आपसे डिस्कस किया था वो जस्ट एज इंट्रो था और कोर्सेज की जस्ट आउटलाइन थी। दिस इज द सेकंड डे, और यहाँ पे हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपना मॉडल पेपर की डिस्कशंस, जो कि हमारा 9th क्लास का मॉडल पेपर है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सही है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आप देखो यार, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम पेपर पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न बेसिकली हमारा क्या है। पेपर पैटर्न जो है वो, यार तुम लोग बड़े परेशान होंगे, भाई हम कौन सा पेपर पैटर्न फॉलो करना है, क्या है क्या नहीं है, तो मैं तुम लोगों को कुछ चीज गाइड कर देता हूँ। देखो यार, हमने जो बेसिकली 2022 में जो हम पेपर दिया था, हाँ, उसमें हमने क्या दिया था, उसमें हमारा जो था, हमारा एमसीक्यू जो था, ठीक है, वो हमारे पास था 40%। एमसीक्यूज की क्वांटिटी जो थी वो हमारे पास 40% थी। सही है, फिर उसके पास हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो हमारे पास कितने थे, वो भी हमारे पास जो थे 40% थे। ठीक है, मगर जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव और जिसको आप डिटेल क्वेश्चन कहते हो, ठीक है, डिटेल क्वेश्चन कहते हो, वो हमारे पास कम थे, 20% थे। इतना समझ में आ गया, ये बात कर रहा हूँ मैं 2022 की। सही है, मगर अब क्या है, मगर अब ये है कि अब मामला हो चुका है चेंज। अब आपके पास आ चुका है पेपर पैटर्न 2023 का। ये बेसिकली पेपर पैटर्न जो है, ये अभी का पेपर पैटर्न है, ये वाला 2023 का पेपर पैटर्न है ये आपका, जिसके अंदर आपके पास कुछ ये फॉलो होगा। 20% आपकी एमसीक्यूज हैं, 40% आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और अब क्या चीज चेंज हो गई है वो देख लो। चेंजिंग कुछ ये हो गया है कि पहले आपके पास डिटेल के अंदर 2022 में 20% था, मगर अब क्या हो चुका है, अब यही चीज 2023 में 40% हो गया है, जो कि खतरनाक बात हो सकती है। सही है, खतरनाक बात क्या हो सकती है कि देखो, एक तो आपके पास एमसीक्यूज का जो मामला था, जो आपके पास ये बेसिकली एमसीक्यूज जो है ये आपके पास एक तो कम हो गया। सही है, 20% हो गया, पहले 40% और आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस थे, अब आपका ये भी कम हो गया। मगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, ये अब आपका बढ़ चुका है। ये थोड़ी सी यहाँ पर हुई है मामला। सही है, इतना तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, मगर परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं इसको इतने आराम तरीके से तुम लोगों को समझाऊंगा कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। मगर हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना कि तुम लोगों को चीजें समझ में आए। मैंने तुम लोगों को इतना तो समझ समझा दिया। अब ये कुछ बातें हैं, ये कुछ आपके पास ये येलो दिख रहा होगा साइनिंग। देखो यार, ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पता होगा आपके सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे जो ये रिलीजियस स्टडीज है, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है। मैं बेसिकली एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, होंगे भाई 10-12 बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो ये बेसिक रिलीजियस जो स्टडीज है, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। और जो सिंधी नॉर्मल कोर्स जो है, वो अगर कोई कैंडिडेट है वो सिंधी आना चाहता है सिंधी मीडियम में, तो वो इस चीज को पढ़ेगा। और यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ है, ये आपके फॉरनर्स अगर पढ़ रहे हैं, वैसे तो कोई भी फॉरनर नहीं पढ़ेगा, इतना बता रहे पागल नहीं जो सिंध में पढ़े, मगर फिर भी अगर कोई फॉरनर पढ़ रहा है तो उसके लिए ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इतना हमारे पास ये हमारा जो है कॉन्टेंट था, ठीक है, जो कि हमारे पास कुछ सब्जेक्ट नहीं है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो 9th के अंदर है। हम स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा पेपर का पैटर्न बेसिकली किस तरीके का है वो तो मैं तुम लोगों को बता दिया। अब ये हमारे पास सबसे पहले जो है उर्दू का पेपर पैटर्न है, जिसके अंदर हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या है ये हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले हमें सवालात के कोई दो मुख्तसर जवाब देने हैं, ठीक है। ये आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे पेपर्स के अंदर, आपने 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सही है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, दो पेपर, ये देखो ये आपके पास आ गए टोटल 5 क्वेश्चन, ठीक है। आपने यहाँ पर करना है 2 क्वेश्चन। सही है, नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको जो दे देते हैं आप मरकजी ख्याल या फिर खुलासा मुसन्नफ के हवाले से, आपको 2 दे दिए जाएंगे, कोई एक करना होगा आपने। यहाँ पे भी आपको जो है या फिर एक नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल, यहाँ पे आपको एक नज़म का या खुलासा लिख दें या फिर उसका आप मरकजी ख्याल लिख दो, ठीक है। 5-5 नंबर का ये आपके पास है। 2 आपने ये लिख लेना है जो कि आपके पास जो है शायद इस्तलाहात हैं। सही है, और उसके बाद जो आपके पास आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपके पास उसके बाद 2 असनाफ़ अदब आ चुका है, और मैं आपको कहता हूँ कि ये 2 क्वेश्चन जो है पेपर में लाजमी अटेम्प्ट करें। कौन से 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, इनमें से जो ये क्वेश्चन है ना आपके पास, या फिर असनाफ़ अदब करें या फिर आप जो है इस्तलाहात करें। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप ये करना,
ठीक है, काफी आसान होते हैं और ज्यादा नहीं होता, इसके अंदर चेंजिंग्स होती रहती हैं पेपर्स में, तो परेशानी होगी। सही है, इसके अंदर आपके पास कुछ होते हैं सलाहत, वही ज्यादातर आ रहे होते हैं, तो आप ज्यादातर इसी को ही करिएगा कि आपका जो ये बेसिकली 6 नंबर है ना, ये सेफ हो जाए। सही है, इतना तुम लोगों को समझ में आ गया। अब दो तारीफें करनी है तुमने या फिर सबके लायके करने हैं। मैं तुम लोगों को कहूंगा कि भाई आंख बंद करके तारीफों पे जाना, 4 नंबर अपने यहाँ से पक्के कर लेना। तुम्हारे 6 नंबर ऊपर से पक्के, 4 नंबर इसमें भी वही कुछ होते हैं, ज्यादा नहीं होते, वही सारी चीजें रिपीट हो रही होती हैं। तारीफें, दो तारीफें तुम लोगों ने करनी है, तो 10 नंबर तुम्हारे इधर से पक्के हो गए। सही है, उसके बाद क्या करना है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब आ जाओ नीचे की तरफ। देखो यार, सांप के लायके मना इसलिए कर रहा हूँ कि सांप के लायकों में चेंजिंग हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि भाई नहीं करो, अपनी तैयारी पूरी ही करना अपने हिसाब से देखो, मगर मैं तुम लोगों को जिस पॉइंट से समझा रहा हूँ वो देख लो। उसके बाद आपने 4 मुहावरा जुमलों में मतलब इस्तेमाल करने हैं। ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी हो जाता है कभी कभार, मुहावरात बहुत सारे होते हैं, मगर मैं तुम लोगों को कहूंगा कि इसमें भी परेशान होने वाला कोई भी चक्कर नहीं है। करना क्या है अब वो गौर से सुनो। करना सिंपल सा ये है, मुहावरात के लिए जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तुमने उठा लेना है अपने ये वाले मुहावरात, इसको इसकी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, इसकी तैयारी कर लेनी है, ये वाले सारे इसकी। उसके बाद तुमने क्या करना है, उसके बाद तुमने जो है 10 ईयर लेना है। ठीक है, उनमें जो मुहावरात हैं जो है, सही है, उसके सिर्फ 2 ईयर्स के, उनके देख लो बस, मतलब कि 2022 और 2021। सही है, या फिर जस्ट अभी 2022 का ही देख लो, आगे फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है। इतना अगर तुम लोग काम कर लोगे तो मैं तुम लोगों को कहता हूँ तुम्हारे 4 या 3 तो आराम से निकल जाएंगे। ये कर लोगे और 2022 का देख लोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने ऊपर से तुम लोगों को ये तो तुमने बता दिया कि तुम्हारे 14 मार्क्स का पेपर यहाँ से आराम से हो रहा है। सही है, रहे बात ये 10 नंबर का पेपर, सही है, 14 मार्क्स और ये 24 नंबर का पेपर कहीं नहीं गया तुम्हारा। इसमें से दर्जा से कोई भी तुमने एक मरकजी ख्याल कर लेना है, सही है, या खुलासा कर लो इनका। ठीक है, इस सबक का मरकजी ख्याल लिख लो या उसका खुलासा लिख लो, या फिर इसके अंदर नज़म का खुलासा लिख दो या फिर मरकजी ख्याल लिख लो शायर के हवाले के साथ। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम पोयम का जो है मरकजी ख्याल लिखना चाहते हो या फिर पोयम का खुलासा लिखना चाहते हो। ठीक है, और मतलब मार्किंग सबकी यही है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को मरकजी ख्याल में मुश्किल होगा। मैं तुम लोगों को अगर एक मशवरा दे दूँ तो भाई 4 4 जो है पोयम्स का, मतलब 3 3 कर लो, अब तो टाइम वैसे भी नहीं है, तो मैं तुम लोगों को कहूँगा 3 3 कर लो। 3 जो है मरकजी ख्याल देख लो, 3 खुलासे देख लो, उससे ज्यादा नहीं करो। अगर होता है तो 2 खुलासे देख लो और 3 मरकजी ख्याल देख लो, इतना तो करो। सही है, बाकी रही बात तुम्हारे 24 मार्क्स के, ये तो हो गए। अब रही बात यहाँ पे ये 6 नंबर की, ये थोड़ा सा तुम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस ना कभी पता नहीं होता कि किस टाइप के आएंगे पेपर्स के अंदर, क्योंकि आपके पास बुक के अंदर उर्दू की बुक्स में चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत होते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब ये करना कैसे है तुमने यार, करना ऐसे है कि अभी तो इसको जो है एंड में रखना तैयारी करने के लिए। ये थोड़ा सा चैप्टर का मामला है, तो ये थोड़ा सा तुम लोगों के लिए टाइम टेकन हो सकता है, क्योंकि चैप्टर ज्यादा है उर्दू में। सही है, मगर मैं छोड़ने नहीं बोल रहा, इसका भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, परेशान होने वाला कोई भी मामला नहीं है। अब हम आ जाते हैं जो आपका सेक्शन सिस्सा जीम होता है, जिसको आप सेक्शन सी कहते हो, जो कि आपका तफसीलन होता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक चॉइसेस आ रही है, जिसके अंदर आपके पास ये इबारत का जो है, आपने बेसिकली यहाँ पे आपने क्या 2 जुमलों की तशरीह करनी है, या फिर आपने हवाले के साथ जो है इबारत की तशरीह देनी है। ठीक है, मैं आपको कहूंगा, ठीक है, ये आपको बेसिकली जो है ना, ये देखो मैं तुम लोगों को बता, अच्छा, ये जो बेसिकली आपने महावरी जुबान में करके करना है, और ये आपने जो है ये आपके सबक के हवाले से तशरीह है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमने क्या करना चाहिए, मैं तुम लोगों को आंख बंद करके कहूंगा कि ये तशरीह का टाइम करो। ठीक है, तशरीह जो क्या है, तशरीह आपके जो है जो भी नोट फॉलो कर रहे हो वहां पे आपको मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तशरीह आपकी ये वाली आई हुई है, सही है, और ये वाली आई हुई है। ये 2 तशरीह तो भाई पेपर्स में आती ही आती है, या फिर एक तो आएगी आएगी। सही है, तो ऐसा हो जाता है कि यार मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि यार ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा, मगर जिसको आसान लगता है ये वो ये कर ले 8 नंबर के लिए, मगर मैं ज्यादातर बच्चों को कहूंगा 80% वो इसको फॉलो करें, 2 जुमलों की तशरीह। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास ये नंबर आपके हो गए, अपने दोस्त के नाम एक खत लिखें, ठीक है, जिसमें शजरकारी की अहमियत के बारे में बताएं, या फिर अखबार के एक मरासला तहरीर कीजिए। ठीक है, एक मरासला तहरीर कीजिए, और मैं आपको क्या कहूंगा, आप जो है आंख बंद करके खत लिख लो। ठीक है, खत लिखो, मरासले को छोड़ दो, सही है, खत लिख लोगे आराम से तुम लोगों के, भाई देखो उर्दू में मार्क्स कटते हैं, मगर मैं तुम लोगों के अगर तुम खत उसी पैटर्न के हिसाब से लिखोगे जैसे तुम्हारे पैटर्न गिवन है, तो मैं अगर तुम्हारी उर्दू खराब भी होती है तो मैं तुम लोगों को ये कह रहा हूँ तुम्हारे 4 नंबर कहीं नहीं गए 6 में से। ठीक है, तो इतना तुम लोगों को तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई होगी। अब ये तुम लोगों का ये काफी जो है तगड़ा है, मैं इतना बता रहा हूँ, पेपर काफी बड़ा है तो ये बहुत जल्दी वाला है, तो अपना सबसे पहले ना एक चीज लाजमी दिमाग में रख लेना, मैं तुम्हें जो है इतना समझा रहा हूँ कि यार टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी पूरी तैयारी कर लो तो यार मैं तुम्हें कहता हूं कि इस पेपर को, जो कि आपका ये मॉडल पेपर है, इसको अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से सॉल्व लाजमी करना। उर्दू का पेपर क्योंकि काफी बड़ा होता है, और बच्चे आधे से ज्यादा, इट्स 70% बच्चे पेपर छोड़कर आ जाते हैं। पेपर छोड़ने का मतलब पूरा पेपर नहीं, 80% पेपर छोड़कर, 80% बोल रहा हूँ,
60% पेपर या फिर 40% पेपर बच्चे छोड़कर आ जाते हैं। क्यों छोड़कर आ जाते हैं, क्या वजह है? टाइम की वजह से, क्योंकि ऊपर लिखते लिखते ही इतने ज्यादा टाइम हो जाता है। एक तो राइटिंग स्लो है, एक किसी की उर्दू भी, मतलब ज्यादातर बच्चों की उर्दू वीक होती है जिसकी वजह से नहीं हो पाता। तो मैं तुम लोग को यही कहूंगा कि पहले जब पूरी तैयारी कर लो तो अपने टाइम मैनेजमेंट को चेक करने के लिए जस्ट सेट आउट अलार्म, एक अलार्म सेट करो, और अलार्म सेट करने के बाद इस पेपर को, इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने की, ठीक है? इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यार तुम लोगों का आंख बंद करके मैं एक और चीज कहूंगा। अब आंख बंद करके ये क्या है कि भाई चुप से बंद को तो भाई गोली मार देना, मतलब जो तुम्हारा बंद है आपका, बेसिकली जो आपके पास ये जुज है, ठीक है, इसको आप कर दो खत्म। ये नहीं करना, ये करो, सही है? ये वाला लाजमी करना, जिसके अंदर गालिब, मीर दर्द, मीर तकी मीर और हसन मोहानी, इन चार जो है इनको देख लेना। मगर मैं तुम्हें फिर भी कहूंगा कि ये इसको अटेम्प्ट करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दो, ठीक है? एंड नाउ ये आपका आखिरी है, जो कि आप मुझसे पूछोगे कि हमें किसी शख्सियत के हालात जिंदगी के बारे में लिखना चाहिए या फिर हमें कोई मजमून लिखना चाहिए। देखो डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के ऊपर, कि ज्यादातर बच्चे को ये चीज मुश्किल लगती है क्योंकि हालात जिंदगी आपको काफी ज्यादा करनी पड़ जाएगी। मगर फिर भी दो तीन हालात जिंदगी अगर याद हो सकती हैं तो मैं बोलूंगा ये कर लो, अगर हो सकती हैं तो। और अगर नहीं होती हैं तो, जिसको मतलब कि याद नहीं होता और जिसकी मतलब उर्दू काफी अच्छी है, मतलब अच्छी भी नहीं है, सही है, तो मैं तुम लोगों को लिख के देता हूँ, मजमून की तरफ जाओ। और मजमून में ये है कि तुम लोग अपनी तरफ से लिख भी सकते हो, यहाँ पे भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ जाएगी इस वाली चीजों में ना, ये तुम्हें ये भी याद करना पड़ जाएगा उर्दू में, सही है? तो मैं तुम लोगों को कहूंगा कि यार अगर तुमसे ये हो सकता है हालात जिंदगी याद, तो कर लो, नहीं हो सकता आंख बंद करके भाई मजमून को अटेम्प्ट करो, इधर याद नहीं करना पड़ेगा और जल्दी का मामला हो जाएगा। अटेम्प्ट जो करना है तुमने सबसे पहले, तो मैं तुम लोगों को कहूंगा ये सारी छोटी चीजें तुम लोगों के पास जो है हिसाब के लायक, ये सब सबसे पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद ये मुख्तसर जवाब करो, तो ये तुम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है तशरी और ये सारी चीजें अटेम्प्ट करो, और फिर आराम से हो सकता है, डायरेक्टली बड़ी चीज पे मत आना, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। जैसे कुछ बच्चे मजमून शुरू कर देते हैं पहले, कुछ बच्चे खुलासा लिखने लग जाते हैं। मैं तुम लोगों से कहूंगा कि पहले खुलासा नहीं, पहले छोटी छोटी चीजें जो है तारीफ, ये सब कर लो। ये तुम लोगों का उर्दू का था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फर्दर हम आगे चलते हैं, तो आगे बेसिकली क्या है, हमारे पास इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश के अंदर हमारे पास जो है टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, हमने 5 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे करने हैं। पैटर्न वही है तो आपका 40 पर जो सेक्शन बी के अंदर है, ठीक है? आपके पास जो है शार्प डॉट बताई, ये सारे आपके पास क्वेश्चंस आ गए, आपने इसमें से कोई 5 करने हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास डू एट डायरेक्टेड आ गया। डू एट डायरेक्टेड के अंदर जो है आपके पास यहाँ पर से जो चीजें स्टार्ट हो रही हैं वो आपका ग्रामर सेक्शन है। देखो यार इंग्लिश में अब जो चीज आ चुकी है ना तुम लोगों के पास, वो आ चुकी है ग्रामर, ठीक है? और ग्रामर को करना तुम लोगों के लिए अब हो चुका है जरूरी, ठीक है? क्या जरूरी हो चुका है मैं तुम लोगों को बता चुका, पहले यार ऐसा नहीं होता था जब आप, मगर अब जो है ऐसा होता है, सही है? तो आप करना क्या है तुमने, देखो यार 20 नंबर का ये तुम लोगों के पास आ रहा है, तो तुम्हारे 20 नंबर कहीं नहीं गए अगर तुम लोगों ने प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड द चेंज द वॉइसेस को अच्छे से पढ़ लिया और नरेशंस को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है? इनको अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि तुम लोगों के नंबर्स कहीं नहीं गए। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी हैं यहाँ पर, सही है? मगर सबसे पहले तुम लोगों ने क्या करना है, मैं तुम लोगों को कहूंगा कि भाई डू एस डायरेक्टेड करो। छोटे छोटे होते हैं, अगर तुम लोगों को प्रीपोजिशंस अपने अच्छे से आते होंगे, आर्टिकल्स का पता होगा कि भाई ए बेसिकली कहाँ पे लगता है, सिंगल थिंग, एंड बेसिकली जो है ए आई ओ यू फॉर द वॉवल्स, ठीक है? तो ये बेसिकली अगर आप बी देखो कि आई वॉन्ट डैश एप्पल, तो आई वॉन्ट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट, इस तरीके से अगर आपको होगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं तुम लोगों को ग्रामर भी अच्छा करवा दूंगा, ठीक है? मगर मैं तुम लोगों को इतना समझा दूं कि ये अभी तुम लोगों ने अपना जो छोटी चीजें हैं उनको पहले हाथ झपट्टा मारना है, बड़ी चीजों पर जाओगे तो पेपर रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, आप अपने सेंटेंसेस को जिससे जो आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको उसके हिसाब से करना है। सब कुछ टेंसेस से रिलेटेड है, कोई मुश्किल वाला सीन नहीं है। नरेशंस पढ़ोगे तो वहां पे भी तुम्हारा टेंसेस अच्छे हो जाएंगे, सही है? तो तुम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि तुम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है? फ्यूचर परफेक्ट में करना है, टेंसेस पढ़ोगे हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल में करना है, टेंसेस पढ़ोगे हो जाएगा। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्किंग करनी है, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सेंटेंसेस है। नेगेटिव में करना है, जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई डू डस डिड और कहाँ पे लगता है हो जाएगा, पंचुएट कॉमा किधर आएगा, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ये तुम्हारे पास तुमने करेक्ट वर्ब लगाना है इसके अंदर, और यहाँ पर एड प्रीफिक्सेस टू, दैट्स इट, ठीक है? नीचे आ जाते हैं, ये आपके पास जो है क्वेश्चन 4 आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो 9 में मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को मुश्किल होनी चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शंस और अपना इंट्रोजक्शंस, ये सारी चीजें जो है पार्ट ऑफ स्पीच हैं, तुम लोगों को ये पता होगा। मगर फिर भी मैं तुम्हें कहूंगा 5 नंबर तुम लोगों के सॉलिड मिल रहे हैं भाई, सॉलिड। मैंने अपने टाइम में, मेरा पेपर ऐसा नहीं था, होता तो काश मैं बहुत अच्छा करके आता। ग्रामर क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स दिलाने की कोशिश में लगते हैं, क्योंकि इसके मार्क्स कटते नहीं है भाई, और अगर कटेंगे तो पूरे कटेंगे, सही है? और अगर आपने बिल्कुल ठीक किया तो आपके कटेंगे नंबर नहीं। से थ्योरी होती है तो वहाँ पे नंबर कटते ही कटते हैं, मतलब यहाँ पे ये ऐसी चीज है ना, कटेंगे नहीं नंबर। आपने जो सही किया है, अगर आपने यहाँ पे इसकी चेंजिंग बिल्कुल करेक्ट की है, तो आपकी पूरा सही होगा। तो ये इस चीजों को सॉल्व करो, और उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू। ये कंपलसरी होता नहीं था उस टाइम पे भी, मगर अब कंपलसरी है, तो तुम लोगों को ये सॉल्व करना होगा, सही है? मेरे हिसाब से तुम लोगों का यहाँ पे जो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपका 5 मार्क्स, और ये अगर ये भी बहुत सारे बच्चे को ट्रांसलेट करने में मुश्किल हो रही होती है, तो मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि तुम्हारा क्वेश्चन आंसर और ये मिलाकर अगर तुमने बहुत अच्छा कर लिया, सही है, तो तुम लोगों के 35 नंबर कहीं नहीं गए।
अगर तुम लोगों को ट्रांसलेट करने मुश्किल भी हो रही है अपने हिसाब से, जैसे भी करो नहीं भी करो, मगर 35 नंबर की तैयारी तुम कर ले रहे हो। ये नहीं बोलता कि छोड़ दो, करो अगर टाइम नहीं है, नहीं करो सही, अगर टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसको जरूर पक्का करो भाई जो मैं ऊपर बता रहा हूँ। और पेपर में सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को फॉलो करना, क्वेश्चन नंबर 3 को, देन उसके बाद करना क्वेश्चन नंबर 4 को, देन 1 को 2 को करना सॉल्व, और फिर उसके बाद 5 आता हो तो करना, वरना डायरेक्ट पॉइंट सेक्शन सी पे भागना। सही है। अब सेक्शन सी में क्या है यार, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिल द ब्लैंक्स दे दिया, बॉक्स ऊपर दे दिया कि मलेरिया इज कॉज बाय, किससे मलेरिया होता है कि भाई मॉस्किटो से होता है, सिंगल ये ऑफन इन्फेक्टेड डैश, ठीक है। उसके बाद इट इज इंजेक्टेड इनटू आर ये ऑल थ्रू आर डैश, और उसके बाद ये पूरा जो है ना आपके पास, अगर इस तरीके के कुछ आ जाते हैं ना पैसेज आपके पास, तो यार मैं कहता हूँ ये 5 नंबर तुम लोगों के सॉलिड है यहाँ से। फिर तुम्हारा ऐसे आ जाएगा 10 नंबर का, ऐसे लिखो या ईमेल लिखो। मैं तुम लोगों को कहूंगा कि यार देखो डिपेंड करता है, अगर तुम लोगों को ईमेल अच्छी लिखनी आ गई है तो तुम लोग ईमेल की तरफ जाओ, क्योंकि ऐसे में कभी कभार ऐसा होता है कि जो आप तैयारी करके जाते हो, आजकल के बच्चे ऐसे रट के जाते हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज है। ऐसे रटा नहीं जाता है, ऐसे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखा जाता है, सही है। ऐसे कभी भी सेम टू सेम आपका नहीं होता है, ये एक लक बेस होता है ऐसे, ठीक है। तो मैं फिर भी आपको कहूंगा कि भाई 3 से 4 ऐसे अगर तुम चाहो तो उसको पढ़ लेना, मैं रटना नहीं, पढ़ लेना, मगर ईमेल को अच्छे से लिखना, पैटर्न लिखना देख लो, बाकी तुम लोगों का मामला हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है तुम्हारे पास, या फिर तुम्हें ऐसे करना है या तुम्हें ईमेल करना है, अगर तुम्हें ईमेल अच्छी लगी तो ईमेल देख लो, वरना तुम ये क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर या तुम एप्लीकेशन लिख लो, या फिर तुम जो है तुम अपना स्कूल पिकनिक पे जा रहे हो क्लास के साथ कितना एंजॉय किया, ये बेसिकली तुमने जो है ना डिस्क्राइब करना है। मैं तुम्हें कहूंगा आंख बंद करके डिस्क्राइब को छोड़ो, मारो गोली, एप्लीकेशन पे जाओ, पैटर्न पता होगा, लिख लोगे एप्लीकेशन खुद ब खुद ही, समझे जवानों। तो ये सारा सीन है, इतना भाई समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है पेपर, ये भी बड़ा है, और मैं तुम लोगों को यही कहूंगा कि सबसे पहले जैसे मैं तुम लोग ऊपर बताया वैसे यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, इसको जल्दी से अटेम्प्ट करना। उसके बाद अगर तुम लोगों को ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से ईमेल लिखो और यहाँ पे एप्लीकेशन पे आओ, मारो गोली इसको यार स्कूल पिकनिक को, ठीक है। ये चेंजिंग होती रहेगी, मगर एप्लीकेशन तुम लोगों अगर माइंड में याद रहेगी ना कि यार ऐसे ऐसे पैटर्न है, तो तुम लोग खुद भी लिख लोगे, ज्यादा बड़ी नहीं एप्लीकेशन लिखनी पड़ती, छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपना पैसेज जाओगे, और ये पैसेज के अंदर आपने सिंपल 15 नंबर सॉलिड आ रहे हैं, जस्ट इस पैसेज को पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और अपने क्वेश्चन का जो है जवाब इसी पैसेज के अंदर ढूंढ कर यहाँ पे लिख दो कि एक रिमोट रीजन। आप यहाँ पे इसको सबसे पहले इसको करने का बेहतरीन तरीका ये है कि भाई इस चीज को अच्छे से पढ़ो, 2 से 3 दफा 3 टाइम्स पेपर में रीड करो उसको, और 3 टाइम्स रीड करने के बाद तुम्हें अपने आंसर्स खुद ही मिलने लग जाएंगे, सिवाय एक क्वेश्चन के जो तुम्हें नहीं मिलेगा। वो क्या है? वो है तुम्हारा ये क्वेश्चन बी, जिसके अंदर आपको कुछ मीनिंग्स का पूछ रहे हैं, और ये बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सही है। और एक और चीज भी, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कनेक्शन, सही है। तो ये बेसिकली आपको जो है टेंसेस का है, कि वैसे ये मुश्किल नहीं होगा, जिसने बच्चे ने पढ़ा होगा कि कनेक्टेड है, सही है, तो वो आराम से कनेक्शन का लिख देगा यहाँ पे। और समरी क्या होगी इस पैराग्राफ की, जब तुम 3 से 4 दफा इसको पढ़ोगे तो इसकी समरी लिखनी मुश्किल नहीं होगी, असल में सिर्फ मुश्किल तुम्हारा ये बी पार्ट है, ये बी तुम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल कर जाएगा। और इसमें मैं तुम्हें लिख के दे दूँ, बच्चा इसको कवर करने के लिए, आधे से ज्यादा बच्चा, 80% बच्चा इसकी छपाई करने लगता है, क्योंकि पेपर भी तो कंप्लीट करना है। मगर मैं तुम लोगों को कहूंगा यार इसको अच्छे से जब पैराग्राफ पढ़ लोगे ना, तो जो वर्ड्स यहाँ पे इसको हो रहे हैं ना, ये आराम से तुम लोगों को ये सारी चीजें भी समझ में आती रहेंगी। इसी में से तुम्हें ढूंढना है ये भी कि सेम मीनिंग्स के कौन से हैं यहाँ पे, दैट्स इट। इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम इसको कवर कर सको, मगर मैं कहूंगा कि पेपर हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चल लेते हैं यार, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपका जो है सबसे पहले आपने 8 क्वेश्चन करने हैं, 13 आपके पास हैं। इसके अंदर केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, पहले ही बता देता हूँ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और ज्यादा सुकून से भी कर लोगे, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास अगर बहुत सारे बच्चों को बैलेंस इक्वेशन नहीं आती, तो मैं तुम लोगों को कहूंगा आइसोटोप वाला क्वेश्चन पेपर में आता है तो लाजमी अटेम्प्ट करो, ठीक है। तुम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं, लाजमी करो, 2 क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। तीसरा अगर तुमसे ये पूछ रहे हैं वॉल्यूम निकालना है तुमने इसका, ये न्यूमेरिकल आ गया, ये करो। केमिकल फॉर्मूला, चौथा लाजमी करो। 4 क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से ही निकल गए, फ्राइडे फर्स्ट सेकंड लॉ थ्योरी का क्वेश्चन है, छोड़ दो छोड़ दो। ये आपके पास एक और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया, जो कि आपने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ तुम्हें NaOH को करना है, ड्राइवर वो भी करवा दूंगा, टेंशन वाली कोई सीन नहीं है। मगर अभी ये देख लो, एक दो ही तुम्हारे टोटल जो है ना 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। इससे होगा क्या, तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जल्दी होंगे। अब तुम थ्योरी करने बैठोगे ना सारी, तो मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ कि थ्योरी एक तो तुम्हारी कवर हो नहीं पाएगी, सही है, और अगर कवर होती भी है तो तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा, जिसमें तुम्हारा सेक्शन सी छूटने के लाजमी चांसेस है, सही है। 3 घंटे के पेपर, ऐसा 3 घंटा यूं निकल जाता है पता नहीं चलता, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीजों को सॉल्व करो। और अगर जस्टिफाई, जस्टिफाई इज बेसिकली ऑल अबाउट रीजन क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जो है रीजन क्वेश्चंस मुश्किल हो जाएगा कि भाई रीजन क्वेश्चंस कौन से करें, तो वो भी हम आगे जाकर जब इसके सॉल्यूशंस में लेकर आऊंगा, जब सॉल्यूशन पूरा समझाऊंगा तुम लोगों को, तब फिर मैं रीजन का समझाऊंगा कि रीजंस कौन से करने हैं। अभी मैं तुम लोगों को पेपर की गाइडेंस दे रहा हूँ, सही है, एक वक्त में एक काम हो जाए चल जाएगा। अब आ जाओ भाई सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी में तुम लोगों के पास आ रहे हैं 6 क्वेश्चन, तुमने करने 4 है, मुश्किल कहानी है ये, टफ सिचुएशन है, मगर मैं तुम लोगों को कहूंगा देखो यार सेम तो ये नहीं आने वाला। मुझसे बच्चे यार लिख के पूछेंगे कि सर मॉडल पेपर पूरी तैयारी कर लूँ तो मेरा पेपर हो जाएगा, मैं कहूंगा कि भाई ये हो जाएगा, सही है। मॉडल पेपर से तैयारी करना फजूल है, क्यों? कोई भी टीचर पागल नहीं है कि वो दोबारा आपको यही चीज उठाकर दे देगा, वो पागल थोड़ी है, वो आपको एक चीज दे रहा है, वो आपको फिर से यही चीज उठा के दे दो, ये पेपर तो कहलाएगा नहीं,
तो ये सोचना छोड़ दो कि यहाँ से आपका कुछ आने वाला है। हाँ इतना मैं तुम्हें जरूर कह रहा हूँ कि एंड में कर लेना 20% पेपर में कुछ चीजें यहाँ से मैच हो जाए, 20%, ठीक है, या फिर लगा लो 30%। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, कोई टीचर इतना पागल नहीं कि दोबारा यही चीज उठाकर तुम्हारे पेपर में डाल दे तो वो पेपर का मतलब नहीं होगा, बस इतना समझ लो। सही है, चलो चल लेते हैं आगे। यार देखो जिस तरह केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में देते हैं, पता नहीं कुछ दो तीन बच्चे ऐसे होते होंगे उर्दू में देते होंगे, तो ये उर्दू के लिए है, केमिस्ट्री मैंने उसमें समझा दी है तो उर्दू में भी वही चीज है, समझ लेना। बाकी अब आ जाते हैं बायो के अंदर, वही सारा प्रोसेस है जैसे केमिस्ट्री का था कि भाई तुम्हें 8 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे। पहली दफा मैं शौक हूँ कि भाई ब्रांचेस भी बायो के अंदर पूछी जा रही है, ऐसे पूछी जाती नहीं है ब्रांचेस, ठीक है। बहुत कोई बच्चा पेपर आएगा ना तो उसमें आपको नाम या ब्रांचेस पूछे जाते हैं, वरना कहीं पे भी ब्रांचेस आपसे डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये सारे टॉपिक्स होते हैं डिस्कस आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। अच्छा जी ये क्वेश्चन कोई नेम वाले जो क्वेश्चन है, नेम, डायग्राम्स, यूजेस, सही है, डायग्राम्स। मैं तुम लोगों को कहूंगा अगर तुम लोगों को डायग्राम नहीं आती ना तो डायग्राम बनाने शुरू कर दो, ठीक है, बायो के अंदर खास तौर पे, तुम लोगों की जिंदगी सवर जाएगी, लिटरली बता रहा हूँ। क्योंकि यार 3 से 4 क्वेश्चन तुम लोगों की आराम से हो जाएंगे, वरना तुम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, सही है। और अब रही बात कि यार यहाँ पे भी आपके पास डायग्राम्स आ गई, तो मैं तुम लोगों को बात गलत नहीं कह रहा हूँ, डायग्राम को बनाना अभी से सीखोगे तो ये पेपर निकाल सकोगे। अगर तुम्हारी तैयारी 0% भी है बायो की, तो मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि तुम डायग्राम की तैयारी कर लो, डायग्राम की तैयारी, यूजेस की तैयारी, सही है, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी। पास होने के लिए बोल रहा हूँ, सही है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में इसमें भी डायग्राम की तैयारी, कुछ आपके पास ये केमिकल प्रोसेस है, कुछ डिफरेंस है, इन सबको देख लो, पास हो जाओगे, चैलेंज कह रहा हूँ मैं, ठीक है, बायो के अंदर। वरना भाई जो पूरा पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी के मसले मसाइल है, जिसने अपनी तैयारी नहीं करे वो करे, ये वो बच्चा नहीं कर ले जिसने पूरी तैयारी करी वो पूरी तैयारी छोड़ के बस बता दिया सर मुनीत ने, बस वो हो गया, नहीं भाई देख लेना, ठीक है, ये वाले सिचुएशन है। आगे चलते हैं अब यार ये, ठीक है जो भाई ये ऊपर था, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैं वैसे बता देता हूँ, उनको उनके दिमाग में खपती होते हैं थोड़े, तो यार वो उर्दू में लेते हैं, उनको पसंद आती है उर्दू काफी, तो भाई वो उर्दू इसको फॉलो कर सकते हैं, मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। कंप्यूटर स्टडीज यार इसके लिए ना तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब ऐसा नहीं कि आग बंद करोगे हो जाएगा, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो भाई सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 को देख लो, HTML, ठीक है, HTML वाला चैप्टर जो जो है ना उसको तो तुम लोग भाई आँख बंद करके देख लो। टर्म WWW, ये तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन तो भाई, दो, 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 6 के आने ही आने वाले हैं। उसके बाद तुम्हारे पास ये डेटा बेस का 1 क्वेश्चन, या पे तुम्हें ERD पूछ लेंगे या रिलेशनशिप पूछ लेंगे, इस तरीके 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे यहाँ पे कहीं नहीं गए, सही है। तो ये तो तुम्हारे पास हो गया, बाकी तुम्हारे पास जो चैप्टर्स आएंगे वो इसके पहले के आ सकते हैं पेपर के अंदर, लाइक तुम्हारे पास वो प्रोटोकॉल, TCP/IP, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो मॉडल्स हैं, मेलवेयर सिस्टम्स हैं, ये सारी चीजें तुम्हारी यहाँ पे पूछी जा सकती है। टोटल 8 क्वेश्चन तुमने करने हैं, तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तुम्हारे पास जो अपना क्या बोलते हैं वर्ड वाला जो चैप्टर है, वर्ड एक्सेल, उसको अच्छे से देख लो आंख बंद करके, तो तुम्हारे 4 से 5 क्वेश्चन जो बिल्कुल ही जीरो बंदा है ना, जीरो बच्चा, वो तो भाई कामयाब हो जाएगा। ये मार्जिन हो गया पहला क्वेश्चन में, तुम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ ओरली बता रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन हो गए, सही है, एक मेलवेयर वाला चैप्टर भी देख लेना। सॉर्टिंग हो गई एक्सेल के अंदर, 3 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, मेलवेयर वाला 4 क्वेश्चन हो गए, ये तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन हो गया, एंटीवायरस तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास ऑर्डरलेस अनऑर्डरलेस हो गया, 7 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, और डेटाबेस का चैप्टर, बस एक्सेल का चैप्टर देख लो, डेटाबेस वाला चैप्टर देख लो 7, ऑर्डरलेस अनऑर्डरलेस चैप्टर 6 जो कि वेब डेवलपमेंट का है, लिख के दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तो पेपर में लाजमी आएंगे वेब डेवलपमेंट के, सही है। और बाकी वर्ड और एक्सेल के कुछ जो आपके पास है वो देख लो कि सॉर्टिंग क्या होती है एक्सेल में, वर्ड पे मार्जिन कैसे वो डॉक्यूमेंट में करते हैं, क्या है, लिख के दे रहा हूँ, पास तो तुम क्या, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इतना बोल रहा हूँ मैं। और बोलो यार, बोलो यार किस टीचर ने मुझे क्या बताया था, तुम लोग यार दुआएं दे रहे हो गए कमेंट में, और दे देना दुआएं पेपर होने के बाद, सही है। चलो आगे चल लेते हैं अब, ये तुम्हारा भाई सेक्शन बी हो गया, इससे ज्यादा बढ़कर मैं कुछ समझा नहीं सकता, सेक्शन सी में आ जाते हैं। इसमें भी लिख के दे रहा हूँ 1 क्वेश्चन तुम्हारा चैप्टर 6 से लाजमी लाजमी यहाँ पर चैप्टर 6 या 7 से टकरा जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैंने अभी तक ये देख लो यार, चैप्टर 6 से टकरा गया, अभी तो मैंने यार चेक ही नहीं किया है, मैं तुम लोगों से बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ वेबसाइट 6 कौन कौन सी है यार, वो ब्लॉग वेबसाइट, तो सारी चीज़ तुम लोगों ने पढ़ी होगी, ब्लॉग वेबसाइट हो गई और बाकी चीजें हो गई, वो सब चीज़ तुमने पढ़ी हुई है, तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे 6 टाइप्स की वेबसाइट बता देनी है, ER डायग्राम चैप्टर 7 हो गया, ये थर्ड आपके पास वर्ड कैसे है, ये आपके पास मैंने ऊपर मेलवेयर ये सब का बताया था, उसी में कंप्यूटर क्राइम होगा, ये आपके पास आराम से कहीं नहीं गया पेपर। अगर भाई नहीं भी हो रहा है, बिल्कुल जीरो हो, तैयारी कंप्यूटर की नहीं है, 6 7 ऑपरेटिंग सिस्टम और मेलवेयर वाला चैप्टर देख लो, मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ यहाँ से हो जाएगा, तुम इससे ज्यादा नहीं बता सकता भाई। अब तो मेरा गला भी मेरे जवाब दे दिया है, मगर तुम लोगों की मोहब्बत है कि यार मुझे पता है तुम लोग बहुत लाइक करोगे, तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। अच्छा यार अब स्टार्ट कर देते हैं कि यार देखो कंप्यूटर जिसने उर्दू में ली हुई है तो वो भाई मैं ऊपर समझा चुका हूँ, वो इसको देख ले। नाउ अब जो है आपके पास फिजिक्स है, मैंने पहले उस वक्त भी बताया था, अभी भी बताऊंगा, केमिस्ट्री में जब मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई जो आपके पास न्यूमेरिकल्स है पहले सॉल्व करो, एक, ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5 जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करो, बाकी डिफरेंसेस देख लो,
और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देख लो, न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से देखो। ये देखो 6 क्वेश्चन, 8 करने हैं, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, 5 से 6 न्यूमेरिकल्स पेपर में तुम्हारे लाजमी आएंगे। मैं सिर्फ मॉडल पेपर देख के नहीं बोल रहा, मगर मैं तुम्हें ऐसे भी बता रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन, 5 या 4 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए न्यूमेरिकल के। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले फिजिक्स के अंदर थ्योरी साइड में रखो, न्यूमेरिकल को देख लो हर चैप्टर के, और परेशान नहीं होना। मैं तुम लोगों को हर चैप्टर की, इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो मैं हर चैप्टर की न्यूमेरिकल करवा दूंगा। 5 डेज का वर्कशॉप है, इन्हीं जो मैंने अपना ये डेज रखे हुए हैं, तो परेशान नहीं होना। सही है, कोशिश करेंगे तो हम मॉडल पेपर वाले भी करवा देंगे, इससे बढ़कर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आगे आइए, तुम्हारे पास सारे थ्यूरी के क्वेश्चन है, रटो वटो मजे करो। ठीक है, तो मैं क्या है, तुम्हारे पास 13 क्वेश्चन है। मैं तुम्हें जो कहूंगा वो यही है जो मुझे समझाना है कि भाई आंख बंद करके सबसे पहले जो है न्यूमेरिकल को देखो, थ्यूरी को बाद में देखना। न्यूमेरिकल अच्छे से करने के बाद तुम लोगों के 25, तकरीबन जो है 25 बोल रहा हूँ मैं, 10 से 12 मार्क्स तो यहाँ से तुम्हारे निकल ही जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 10 से 12 तो मैं कम ही बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पेपर्स में 4 भी आते हैं तो हाँ 12 मार्क्स सही है, क्योंकि 3 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन है। सही है, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके पास, तो समझ लो यहाँ पे आप अगर 4 भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास 12 मार्क्स आराम से आ गए। इसी तरीके से भाई इधर भी आपके पास 24 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 8 क्वेश्चन करने हैं, 24 मार्क्स का ऊपर सारे जाएंगे, ऐसे ही होगा। ठीक है, 3 मार्क्स का सब पेपर के अंदर ऐसे ही होगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो आप ये हो, सब में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके पास। समझ में आ गया, डिटेल 24 नंबर का आपके पास डिटेल आ रहा है, मतलब 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। आंख बंद करके जो है सबसे पहले यहाँ पे देख लेना कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारा कभी कभार आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है। ठीक है, मगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज लिख के देना चाहता हूँ, वो लोग यार क्या हो गया भाई, भाई इधर ना आंख बंद करके इक्वेशन डेरिवेशन को देख लेना, राइटिंग को इग्नोर मानना क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। इक्वेशन और डेरिवेशन को लाजमी देख लेना, क्यों बोल रहा हूँ ये बात, एक शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में तो पक्का पक्का आएगा। सही है, इतना समझा दिया, 24 नंबर का है ये, टोटल आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, 6 नंबर का आपका जो है एक बनेगा क्वेश्चन। सो आगे चल लेते हैं, ये जो इंग्लिश में मैंने आपको समझाया है किसी ने उर्दू में भी लिया होगा तो वो इसको देख सकता है। मैथ्स में आ जाते हैं हम, मैथ्स के अंदर हमने टोटल जो है 10 क्वेश्चन हमारे पास है, 10 क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके पास टोटल जो है। ठीक है, ये टोटल आपके पास जो है 10 से 11 क्वेश्चन है। ठीक है, और आपने टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर लाजमी करने हैं, लाजमी क्या करने ही करने हैं, मतलब कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन। सही है, पहले क्वेश्चन तो भाई ये तो भाई पेपर के अंदर आंख बंद कर लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ पेपर में एक चीज के लिए आंख बंद कर लो, लॉ का क्वेश्चन लाजमी करना पेपर में लाजमी आएगा। फैक्टर का क्वेश्चन देख लो, लाजमी आता है पेपर में क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन देख लो, 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे कहीं नहीं गए पेपर में। रही बात नीचे के सारे, ये सारे थ्योरम्स हैं, और रही बात यहाँ पे कि ये आपका थ्योरम ही है, मगर यहाँ पे आपके पास बहुत सारे बच्चे ये थ्योरम अटेम्प्ट करने की बजाय ये करते हैं। मैं तुम लोगों को कहूंगा कि भाई लॉग देख लो पेपर के अंदर, सही है, लॉग के बाद फैक्टर थ्योरम देख लो, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन देख लो, सही है, और सॉल्यूशन सेट देख लो, बल्कि स्क्वायर रूट भी छोड़ दो, सॉल्यूशन सेट लाजमी देख लो और क्वाड्रेटिक देख लो। और मैं इसके रिलेटेड में बता दूंगा कि कौन सा आपका जो है थ्योरम इस बार इंपॉर्टेंट है, इसको भी छोड़ दो, ये कंस्ट्रक्ट करने वाले क्वेश्चन को भी छोड़ दो। ठीक है, मगर सॉल्यूशन सेट लाजमी देख लो, फैक्टर थ्योरम देख लो, लॉग देख लो और इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लो। थ्योरम मैं तुम लोगों को बता दूंगा, तुम्हारा अगर सेक्शन भी ना हो ना पेपर में तो तुम लोग कमेंट नहीं कर देना, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मेरे कहना मानो तो यार अच्छा है तुम लोगों के लिए, वरना मर्जी है, मैं तुम लोगों को बता दिया। ये तुम्हारा सेक्शन बी है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तुम लोगों को टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में आ जाओ, इसमें 3 क्वेश्चन तुमने करने हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, मतलब 3 क्वेश्चन से मुराद है, मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, आंख बंद करके तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ जो है थ्यूरम्स आएंगे उनको देख लेना, यहाँ पे थ्यूरम 9, 10, 11, 12 कुछ भी आ सकता है, मैं तुम्हें वो अभी कुछ बता नहीं रहा हूँ, मगर एक तुम लोग थ्यूरम देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से जाएगा। फैक्टराइजेशन बहुत सारे बच्चों की जीरो होती है क्योंकि उन लोगों को थोड़ा फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम आती है। मैं तुम्हें कहूंगा सोल्यूशन सेट करो, पेपर में लाजमी लॉन्ग में आएगा। 2 क्वेश्चन तुम्हारे पास हो गए, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास, या तुम ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला देखना चाहते हो इसको देख लो, वरना 2 क्वेश्चन तुम्हारे पास हो गए, मगर फैक्टराइज का क्वेश्चन छोड़ना मत, करना जरूरी है तुम लोगों को। अब मैं तुम लोगों को वो बता रहा हूँ, वैसे अगर तुम लोगों के थ्योरम्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुम लोगों ने 2-3 थ्योरम याद किए हैं, तुम्हारे ये थ्योरम भी निकल सकता है, आराम से पेपर हो जाएगा, अगर तुम फैक्टराइजेशन को लीव करते हो, छोड़ते हो। मगर छोड़ने का मतलब ये नहीं बोल रहा कि भाई छोड़ दो, मैं सिर्फ तुम लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू में इन द एंड वाली बात कर रहा हूँ, जो आप 40 दिन आपके पेपर में रह गए हैं, कि अभी भी टाइम है तैयारी फैक्टराइजेशन की भी कर सकते हो, 10 दिन की बात होती है, फैक्टराइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सुकून से करने की बात कर रहा हूँ, मगर समझ में आ गया होगा। अब मैथ भाई जैसे उर्दू में भी है, करना चाहते हो देख लो। रही बात इस्लामियत की, कुछ भी यार इसके अंदर नहीं है, कुरानी आयात है, ये आपके पास टोटल जो है 2 आपने करनी है, 3 नंबर की एक है, ये 2 आप कर लेना, और उसके बाद आपके पास जो है कुछ आपके पास अहादीसें आ जाती हैं जिनमें आपको ये भी 2 करनी होती है। पेपर काफी जो है लेंदी कह सकते हैं इसको, मगर इतना ज्यादा लेंदी नहीं है, सही है, छोटा ही पेपर है। 2 आपने ये करनी है, 6 नंबर आपके यहाँ से पक्के, 2 आपने ये करनी है, 6 नंबर इधर से पक्के। थोड़ा सा मुश्किल आपकी जो परेशानियां आती है ना बच्चों को, वो मैं आपको बताऊँ कहाँ पर आती है, ज्यादातर परेशानियां आती हैं सवाल जवाब में, क्योंकि सवाल जवाब बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो मगर आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना।
टोटल आपके 12 क्वेश्चन हैं, आपने करने हैं 6 क्वेश्चन। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पास है, सही है? तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो हम इसका भी कुछ आपको बता देंगे, मगर अभी के लिए यही है कि आप जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो इसके लिए वैसे ही करो, इस्लामियत इतना ज्यादा नहीं है, आराम से याद हो जाता है, कोई मसले वाला नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई एक का करना है, ठीक है, कोई एक का तर्जुमा और तशरीह करनी है आपने, जो कि आपके पास ये गिवन है। उसके बाद आपके पास या नीचे जो है आपने अहादीस के कोई भी एक की जो है तर्जुमा और तशरीह करनी है, ये आपके पास है। उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कि आपके पास 4 आएंगे पेपर में, 2 करने हैं आपने, जो कि आपका टोटल जो है ये 16 नंबर का है, मतलब कि 8 8 नंबर के एक क्वेश्चन। तो यार 8 नंबर का मतलब समझते हो क्या, कि 8 नंबर का मतलब ये है कि तुम्हें तकरीबन ये 1.5 से 2 पेज का लिखना है आंसर। लाजमी याद रखना, मार्किंग के हिसाब से अपने पेपर को सॉल्व करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे, वरना समझ सकते हो तुम। तो ये फिर बाद में यही कहे जा, यही एक बच्चा कहता है कि यार चेकर ने कुछ कर दिया था, हम तो पेपर कर कर आए थे, मार्किंग के हिसाब से होती है। ये भी आगे तुम लोगों में समझा दूंगा प्रेजेंटेशन के अंदर, सही है? इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ये रिलीजियस स्टडीज आपका नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, हम आगे चल रहे हैं। आगे हमारे पास मजहबी तालीमात भी सिंधी आपका नहीं है, और देन फिर आपके पास जो है इंग्लिश लिटरेचर, जो कि ये भी आपका नहीं है। देन उसके बाद ये भी आपका नहीं है, क्योंकि आप लोग बेसिकली जो है इंग्लिश लिटरेचर नहीं, इंग्लिश नॉर्मल कर रहे हो, मगर हाँ कुछ बच्चे हैं जो कि अगर इंग्लिश लिटरेचर में दे रहे हैं तो वो इस पेपर को फॉलो कर सकते हैं, मगर हम जो पढ़ेंगे जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो नॉर्मल इंग्लिश है, वो अपनी नॉर्मल इंग्लिश में ही पेपर देंगे। तो यार उम्मीद करता हूँ मज़ा बहुत आया होगा, सही है? इन डेप्थ तुम लोगों को मैंने मॉडल पेपर बिल्कुल हार्ड कर समझा दिया, अब इसके अलावा मॉडल पेपर के अंदर कुछ बचता नहीं है। अब सिर्फ बचेगा तो तुम लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व करने का तरीका, और मॉडल पेपर सॉल्व तुम लोगों को प्रोवाइड करना, वो थोड़ा तुम लोगों को समझाना है, वो मैं तुम लोगों को इंशाल्लाह 9th वालों समझा दूंगा, ठीक है? सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर जो है यही जो मेरा जो चल रहा है सेशन, फिर रिकॉर्ड वीडियोज के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और दुआओं में याद रखना मुझे। और पेपर्स के बाद जो तुम लोगों के अभी पेपर्स होने वाले हैं 23rd के, जो आगे पेपर्स होंगे, ठीक है, उसमें भाई देख लेना, और ज़रूर पसंद आए, और मैंने जो बात तुम लोगों को अश्योरिटी कही है, तुम लोगों को दिखे तो यार सैल्यूट मार लेना एक बार।